कारभार चाललेला आहे त्या कारभाराचा 9 साल तक जो भी कारभार चलता रहा तर अतिशय मजबूतीने देशाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न हे देश को आगे ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है प्रयत्न करत असताना और ऐसे प्रयास करते हुए गोपालजीला पाठिंबा दिला पाहिजे आणि सभी को मौका मिलना चाहिए सभी विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करता है फक्त सभी पक्ष एक साथ आ रहे हैं और इसका प्रयास किया जा रहा है परिस्थिति है म्हणजे तुम्ही जो भी परिस्थिति है तर इथं कुठं हर कोई देख रहा है आणि ममता बनर्जींचा पक्ष कांग्रेस ममता बनर्जी का ही पक्ष रह गया है आप पार्टी विरुद्ध कांग्रेस पंजाब मध्ये कांग्रेस आपके विरोध में है आप कांग्रेस के विरोध में है सभी एक दूसरे के विरोध में है इन सभी विपक्षी दलों की बैठक का कोई आउटपुट नहीं है अपना भारत देश आज नेतृत्वाची नितांत गरज आहे आणि ही गरज असल्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी तशा प्रकारचा निर्णय घेतला और इसी सब को देखते हुए मैंने यह फैसला लिया सरकार काम करत होता इतके दिवस जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस की सरकार काम कर रही है एकनाथ शिंदे सरकार काम कर रहे हैं राजीनामा दिला आणि मागे कई सारे नेताओं ने राजीनामा दिया था सर्वांच्या समोर माध्यमांच्या समोर कार्यकर्त्यांच्या समोर त्या आज हमने अपनी भूमिका स्पष्ट रखी है आम्ही सगळ्यांनी भुजबळ साहेबांनी राष्ट्रवादीची स्थापना आप सभी मेरे साथ भुजबळ साहब ने एनसीपी की स्थापना की थी पक्षाची स्थापना झाली आणि गेली 24 वर्ष वेगवेगळ्या साथ साथ पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे प्रफुल्ल पाटील भी हमारे साथ थे सगळ्यांनी आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केलं इतपर्यंतचा प्रश्न सभी ने शरद पवार जी के नेतृत्व में काम किया तरुणांना संधी देणं गरजेचं आहे त्याच्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या आपले विजन आहे त्या विजन मध्ये नक्की नवीन कार्यकर्ते पुढे आणले गेले पाहिजे तशा प्रकारचा नए कार्यकर्त्यांना को पार्टी के साथ जोडा आणि मी मागे 8 वर्ष सरकारमध्ये काम करत असताना कई सालों तक मैं सरकार में काम करता रहा डेवलपमेंट विचार करूं विकास हमारे लिए एक मार्ग था एक मुद्दा था टीका टिप्पणीला फार उत्तर देण्याचं कारण नाही तुम्हाला टीका टिप्पणियों को लेकर हमें फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र राज्याचा सर्वांगीण विकास करणं राज्य का सर्वप्रिय विकास होना चाहिए और इसके साथ केंद्र के साथ हम कैसे समय बैठा सकते हैं इसमें शरद पवार की क्या भूमिका होगी मदद करने का करता हमी अच्छा प्रकार सा निर्णय घेतला हम कैसे सरकार की मदद कर जनता का भला कर सकते हैं इस पर हमने विचार किया बहुत सारे हमारे समर्थकों को ये मान्य हुआ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कल एनसीपी या सरकारमध्ये सामील झालं पुढे पण तशाच पद्धतीने कुठल्याही निवडणुका असतील जिल्हा परिषद एनसीपी जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी और आने वाले चुनाव हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे पक्षाचं चिन्ह आहे पक्षाचं नाव आहे त्याच पक्षाचं चिन्ह पक्षाचं नाम आम्ही सगळेजण निवडणुका हमारे साथ है हम उसी के साथ आने वाले जो भी चुनाव है उसे लड़ेंगे पक्ष को और बड़ा करने का प्रयास किया जाएगा आज मंत्रिमंडळामध्ये समावेश और इसीलिए हमने आज मंत्रिमंडल में दुसरे तुम्हाला माहिती असेल मधी नागालँडला पण निवडणुका झालेल्या होत्या तिथेही पक्षाचे आपको बताऊंगा कि हाल ही में चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जहां पर निर्णय त्यांनी घेतला आणि तिथे भाजपच्या बरोबर त्या ठिकाणी पक्ष हमें जीत मिली और वहाँ भी हमने भाजपा के साथ तन्मय बनाकर चुनाव लड़ा दूसरी बात आरोप करती कई सारे लोग आरोप लगाएंगे साढ़े तीन साल पहले जो निर्णय लिया था शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार होता एमबीए का दल बनाया था जातीयवादी नियमानुसार जर आम्ही शिवसेनेबरोबर जाऊ शकतो
तर आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर पण जाऊ शकतो। जब हम किसी और दल के साथ यानी एनसीपी कांग्रेस और कृष्णा के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं? आदिवासी किसानों का मजदूरों का विकास करना ही हमारी नीति रही है। सभी वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी नीति रही है। और इस अनुभव का कैसा फायदा हो, आज किंवा उद्या मुख्यमंत्री महोदयांचा तो अधिकार असतो, ती डिपार्टमेंट घेतल्यावर मुख्यमंत्री इस प्रकार के निर्णय देत रहे हैं उनमें हमारा समर्थन रहेगा। आम्ही आमचं सर्वस्व त्या ठिकाणी पडायला लावणार आणि पक्ष अधिक मजबूत और पक्ष को और अधिक मजबूत बनाएंगे। आमच्या सर्वांचा आहे। आज काही जण पोहोचू शकले नाही, काही परदेशात आहे, मी फोनवर संपर्क साधला। विशेषतः मी लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीमध्ये बोलतोय, त्यांच्याशी पण संपर्क त्या ठिकाणी साधला, त्यांनी पण त्याला मान्यता दिली। काही जण संध्याकाळपर्यंत पोहोचली आणि अशा पद्धतीनं हमने कई सारे अन्य नेताओं से बातचीत की जिनकी सहमति मिली और उसके बाद आज हमने ये फैसला लिया। छगन भुजबल बोल रहे हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बताएंगे इसका मनोगताशी हमें सगळे के आहोत सहमत आहोत। नंबर एक पद पर है और हम सभी उनमें समर्थन देते हैं। यहाँ महाराष्ट्र सरकार का तीसरा घटक म्हणून त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहोत। आज हम राज्य सरकार के तीसरे घटक के तौर पर जुड़े हैं। अनेक दिवस जे आहेत पुन्हा तपण आहे, चर्चा चालू होती, कई सारी कल्पनाएं की जाएंगी कि हमारे पर दबाव बनाए गए थे, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल है किसानों की स्थिति, जिस पर हमें काम करने से दूर नहीं रखा जा सकता। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब बेहद मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नीतियां बेहद मजबूत हैं। महाराष्ट्र की सरकार हो या भारत की सरकार हो, सब एक साथ एक निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे और जनता की तकलीफों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ओबीसी को लेकर कई सारे सवाल उठाए जाएंगे, कई सारे सवाल हैं। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य सरकार एक साथ आती है तो उन सबका हल निकल सकता है। एक आठवडे दादाने सांगितलं की पटणाला सुद्धा ती कॅपिटिंग झाली। आपण पाहतोय कोण याच्यावर आणवतोय, कोण त्याच्यावर आणवतो, अनुभव जातो, कोण निघून जातोय। हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हर कोई एक पार्टी से निकलता जा रहा है। ऐसे में अगर सभी एक विचारधाराओं के लोग एक साथ आते हैं शरद पवार ने भी हमें एक बार कहा था कि देश में मोदी ही आएंगे। ऐसे में हम एक सकारात्मक विचार बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइडियोलॉजी को लेकर सवाल नहीं, Z News।